ग्रह को ठीक करने के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ हवन और पन्ना हीरा लाखों करोड़ों का भी पहनते, क्या ऐसा कुछ है पाविता? गरीब इंसान भी बिना कुछ किए सबको क्या बैलेंस कर सकता है, क्या करें उसके लिए? बिल्कुल, देखिए ग्रहों का प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ग्रह ऑटोमेटिक सब अच्छे होंगे। सूर्य को अच्छा करना है, पिता का सेवा समर्पित भाव से करिए, सूर्य आपका 100% अच्छा फल देंगे। तो चंद्रमा को अच्छा करना है, माता का सेवा करिए, सबसे उपचार से सभी यज्ञ अनुष्ठान मंत्र से रत्न से ज्यादा काम करेगा। माँ का सेवा अच्छे से करिए, पिता का सेवा करिए, सूर्य चंद्रमा अच्छे हो गए। बेटी बुआ इन लोगों का जो है अच्छे से करिएगा, बुद्ध अच्छी हो जाएंगे आपके। भाई मित्र मंगल आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी सफाई कर्मी हैं, मजदूर हैं, ठीक है, चाचा हैं, चाचा से संबंध अच्छा हुआ शनि ठीक हो जाएंगे। मजदूरों का सेवा कर रहे हैं शनि ठीक हो जाएंगे, मतलब उनसे अच्छा रिस्पेक्ट, बस अच्छी बातें कर रहे हैं। और सफाई कर्मी जो हैं, ठीक है, उनका अच्छे से जो है आप उनसे संबंध रख रहे हैं, आपका राहु केतु सही रहेंगे। आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, टीचर हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। मतलब आप अच्छे कर्म करिएगा तो आपका कोई ग्रह आपका बिगड़ ही नहीं सकता, मतलब अपने संबंधों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही सारे ग्रहों को आप बैलेंस कर सकते हैं। पत्नी का अच्छा से संबंध रखिएगा, स्त्री वर्ग का अच्छे से संबंध करिए, शुक्र अच्छे हो जाएंगे। तो ग्रह को हम बिगाड़ते हैं अपने कर्म के द्वारा। किसी के कुंडली में बहुत लंबे समय तक माँ का कई पीढ़ी से स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, चंद्रग्रहण दोष लग जाता है। पिता का अच्छा से सम्मान नहीं होगा, सूर्यग्रहण दोष लग जाएगा। तो लोग कर्म के द्वारा ही ग्रहों को बिगाड़ते हैं, कर्म के द्वारा ही उसको ठीक कर सकते हैं। आप गड़बड़ चीज खा के पेट खराब कर लीजिए, पाचक चूर्ण ढूंढते रहते हैं, तो कर्म ही ऐसा कर लीजिए जो ग्रह प्रभावित न करें। अपने जीवन में जो बताए हैं, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को, सबको अच्छे से प्रसन्न रखिएगा, उस घर में निगेटिविटी रही नहीं गई, नहीं यज्ञ अनुष्ठान सब बेकार चला जाता है। माता पिता दुखी हैं, आप बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो उनके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगा ना, जो उनका सोच निकलेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो प्रसन्न नहीं है। अब घर के वृद्ध जो है दरवाजे पे जो है पीड़ित है, लोग लाफिंग बुद्धा लगा रहे हैं, क्या उनको फल मिलेगा? अरे अपने वृद्धों को खुश रखने वाला जो है स्थिति रिलेटिव से भी देखा जाता है, बिल्कुल सामने वाले एकदम रो रहे हैं लेकिन हम जो है ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। तो अपने से जो संबंधित व्यक्ति जो आपसे अच्छा रखता है, उसके साथ अच्छे संबंध है, उसके साथ अच्छा आपका व्यवहार है, तो ग्रह आपको कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा उपचार होता है, माता पिता का अच्छे से सेवा करना, सूर्य चंद्रमा ऐसे ही बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।